नमस्कार मित्रों सभी को नमस्कार आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस के इस चैनल यूपी उत्कर्ष पे आप सबका मित्रों बहुत बहुत स्वागत है सभी को नमस्कार राधे राधे जय श्री कृष्णा जय श्री राम बोलो बाकी बिहारी लाल की जय जय बजरंग बली चलिए मित्रों शुरू करते हैं आज की सभा और दोस्तों हम बात करने वाले यूपी के तीन एग्जाम्स पे दोस्तों फोकस कर रहे हैं यूपी सुपर टेट यूपी कांस्टेबल और यूपी लेखपाल इन तीनों के दोस्तों मिक्स में अपन क्वेश्चन जो है करने वाले हैं और डेली दोस्तों अपन कर भी रहे हैं ठीक है तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं आज की सभा और आज की सभा का पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर ये रहा क्रिकेट के खिलाड़ी का चौसठ इनिंग्स मतलब चौसठ पारियां चौसठ पारी का औसत बासठ रन है उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा है उक्त दो पारी छोड़कर उसकी शेष पारियों का औसत जो है 60 रन आता है तदनुसार उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर कितना है मेरे प्यारे मित्रों बहुत ही सिंपल सवाल है आप समझिएगा कह रहा है चौसठ पारियों का औसत है बासठ चौसठ पारियों का औसत है बासठ यानी मित्रों हाँ बहुत बढ़िया चौसठ पारियों का औसत है बासठ चार दुनी आठ छुनी बारह बारह चौबीस छत्तीस का 6, का तीन, छीन छत्तीस तीन चालीस मतलब सभी चौसठ पारियों में कुल मिलाकर दोस्तों जो रन है वो गुनचालीस सौ अड़सठ है टोटल मिलाकर रन कितने हैं तीन हजार नौ सो अड़सठ इसमें से दो पारियां छोड़ दे अगर सबसे ज्यादा वाली और सबसे कम वाली अगर छोड़ दें तो बोलो पारियां कितनी रह गई बासठ और बासठ पारियों का औसत कितना आता है साठ तो ये साठ से गुणा कर दिया भाई साहब जीरो का जीरो छह दुनी बारह का दो हासिल का एक छह चंग छत्तीस और एक सैतीस बोलो सही बात है क्या कोई दिक्कत नहीं अच्छा बताओ भाई कितने रन बचे आठ में से जीरो गया आठ छह में से दो गया चार नौ में से सात गया दो टोटल रन बच गए दो सौ अड़तालीस और ये दो सौ अड़तालीस रन पता है कौन सी पारियों के दो पारियों के एक सबसे ज्यादा वाली और एक सबसे कम वाली और उन दोनों में फर्क कितना है एक सौ अस्सी का हमें अधिकतम का पूछा है मान लो अधिकतम पारी के रन अगर एक्स है अगर अधिकतम पारी के रन एक्स है तो न्यूनतम पारी के रन होंगे क्योंकि इसने कहा ना कि दोनों पारियों में 180 का फर्क है, तो अगर अधिकतम पारी का रन x है तो न्यूनतम पारी का रन हो जाएगा एक्स माइनस एक सौ कर देंगे एक्स और एक्स टू एक्स में 180 एक जोड़ देंगे सो आठ और जीरो आठ हो जाएगा आठ चार बारह का दो हासिल का एक तीन और एक चार दो एक्स बराबर चार सौ अट्ठाइस एक्स बराबर दो दो चार दो एक दो का मान कितना आ जाएगा दो सौ चौदह बहुत बढ़िया जिनका भी आंसर दो सौ चौदह आ रहा है बहुत ही सही आ रहा है हाँ जी मित्रों बहुत सही कर रहे हो बहुत ही बढ़िया कर रहे हो औसत का पहला सवाल हमने आज की क्लास को औसत से स्टार्ट किया है हाँ जी सबका उत्तर राइट है आगे बढ़े सब लोग सवाल कर रहे हो ना मित्रों गुड इवनिंग गुड गुड इवनिंग इवनिंग हो चुका है वैसे ज्यादा नहीं हो जाए मित्रों आज के आज के ही सारे गुड इवनिंग नहीं करने थोड़े गुड इवनिंग कल वाले भी रख दो है ना अब उत्तर बताना शुरू कर दो अब आप है ना हाँ जी बहुत सही अगला सवाल देखें हाँ जी नमस्ते राम राम सबको प्रणाम राम राम सब हो गया मित्रों अब आप थोड़ा क्वेश्चन करने पे ध्यान देवे इसका उत्तर बताने पे ध्यान देवे हाँ जी यदि तीन की पावर इकसठ अठाईस चार इकसठ हजार दो सौ चौरासी को पांच से विभाजित किया जाता है तो शेषफल बचता है और यदि फोर की पावर सिक्स को से विभाजित किया जाता है तो शेषफल वाई बचता है पूछा है टू एक्स माइनस वाई का मान क्या होगा बताओ भाई भाग देना आपको आता होगा ना वैसे भाग देना है मित्रों बहुत सिंपल है भाग देना है हाँ जी बताओ क्या आ जाएगा तो मेरे प्यारे मित्रों जरा समझिएगा बहुत ध्यान से तीन की पावर कितना है इकसठ अट्ठाइस चार मैं किसका भाग देना है पांच का बोलो किसका भाग देना है पांच का हाँ भाई सबके कमेंट दिख रहे हैं बिल्कुल कमेंट दिख रहा है अच्छा मैं क्या इसको तीन की पावर दो लिखकर तीन की पावर दो लिखकर इसको मैं लिख सकता हूं क्या ये दो तिया छ और जीरो दो छिंग बारह दो, दो दुनी चार बोलो इसको इकसठ हजार दो सो चौरासी को तीस छह सौ बयालीस करके लिख सकता हूं क्या दो अंदर ले लिए बाकी बाहर ले लिया बट्टा में पांच का पांच कोई आपत्ति नहीं आ तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया कोई दिक्कत नहीं सर ऐसे क्यों लिखा ये तो बताओ कारण मैं आपको बताता हूं देखो भैया 3 की पावर दो क्या होता है नौ तीस सौ बलीस बटा पांच पावर नौ आने का मतलब है हमें यहां ऐसा नंबर सेट करना होता है जो कि नीचे वाले के मल्टीपल से एक ज्यादा या कम हो ऐसा नंबर सेट करना होता है जैसे पांच है तो पांच एकम पांच होता है तो या तो चार आ जाए या छह आ जाए जैसे पांच दूनी दस होता है तो या तो नौ आ जाए या ग्यारह आ जाए पांच थी पंद्रह होता है या तो चौदह आ जाए या सोलह आ जाए मतलब नीचे वाले के पहाड़े से ऊपर हमें या तो एक कम या एक ज्यादा इस तरह से सेट करना है जैसे मान लो नीचे सात होता तो ऊपर या तो छ आ जाए या आठ क्योंकि सात एक कम सात होता है तेरह आ जाए या पंद्रह क्योंकि सात दो चौदह होता है बीस आ जाए या बाईस क्योंकि सात या इक्कीस होता है ऐसे सेट करना होता है ठीक है ये सेट किया बोलो पांच दूनी दस रिमाइंडर क्या आया माइनस वन पांच दूनी दस होता है रिमाइंडर क्या आया माइनस वन पांच दूनी दस शेषफल क्या बचा माइनस एक ये क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम का है आपने अगर रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रखी है तब तो ये गीत आपको समझ में आएंगे वरना दिक्कत हो सकती है ठीक है अच्छा बताओ ये कितना आ गया माइनस की पावर सम है इसका मतलब वन का वन यहां से तो रिमाइंडर वन आया शेषफल एक्स बचता है मतलब ये तो आपका एक्स आ गया वाई की बात करो चार की पावर छिन्नों को छह की छह का भाग देने पर बताओ शेषफल जो है वो क्या आएगा भाई साहब चार की पावर एक में छह का भाग दो बोलो यहां से रिमाइंडर क्या आएगा चार ही आएगा छह शेषफल चार चार की पावर दो में मान लो छ का भाग दो बोलो रिमाइंडर क्या आएगा चार की पावर दो मतलब सोलह सोलह में छ का भाग दो छह दूनी बारह बोलो यहां से रिमाइंडर क्या आएगा छ दूनी बारह बोलो यहां से रिमाइंडर क्या आ गया छह दूनी बारह शेषफल चार मान लो चार की पावर तीन ले लेता हूं चौसठ बटा छ चार की पावर तीन चौसठ चौसठ में छ का भाग दो बोलो छह दाए साठ रिमाइंडर क्या आया चार समझ रहे मेरी बात अच्छा मान लो मैं चार की पावर चार ले लो फिर छह का भाग तो चार की पावर चार क्या होता है दो सौ छप्पन दो सौ छप्पन में छह का भाग दिया छोबीस और छुनी बारह बोलो रिमाइंडर क्या आया फिर चार मतलब मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि चार की पावर एन में अगर आप छह का भाग देने वाले हो तो आपका रिमाइंडर जो है वो चार रहने वाला है चार की पावर कुछ भी हो चार की पावर कुछ भी हो आपका रिमाइंडर दोस्तों क्या रहने वाला है चार रिमाइंडर क्या रहेगा चार तो भाई साहब आप कह रहे हो चार की पावर छिन्नू में चार की पावर नाइनटी सिक्स में आप छह का भाग दे रहे हो बताओ यहां से रिमाइंडर आपका क्या रहने वाला है चार बोलो रिमाइंडर क्या रहने वाला है चार सही है, तो है अच्छा, ये, ये दो तो की किसके की तो किस बराबर, बराबर है सही है अच्छा हमें पूछा है टू एक्स माइनस वाई बताओ हमें क्या पूछा है टू एक्स माइनस वाई तो भाई साहब दो इंटू एक्स एक्स कितना है एक वाई कितना है बोलो चार तो दो माइनस चार बोलो कितना आया माइनस दो सो so, माइनस दो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जिनका भी माइनस दो आ रहा है बहुत सही आ रहा है मोनी श्रीवास्तव जी दो इंटू चार माइनस चार किया दो इंटू चार नहीं दो इंटू एक करो क्योंकि एक्स का मान तो एक है वाई का मान चार है समझ रहे हो यहां रिमाइंडर एक बचा था यहां रिमाइंडर कितना बच रहा है चार बच रहा है यानी उत्तर क्या आएगा माइनस का दो आएगा सही है क्या अरे बात समझ गए क्या हां जी ये रिमाइंडर थ्योरम अगर जिन जिन ने पढ़ रखी है उनका तो मामला सबका सेटो सेट होगा है ना सही है क्या अगला सवाल करते हैं नेक्स्ट सवाल देखिएगा नेक्स्ट सवाल कहता है दिए गए चित्र में डी बराबर बी डी बटा डी सी बराबर दो बटा तीन हो तथा ए सी बराबर 760 हो तब ए का मान बताओ बहुत बढ़िया सवाल मित्रों बहुत बढ़िया ज्योमेट्री का सवाल है मजा आने वाला मतलब है ना हाँ जी बहुत बढ़िया पर नेगेटिव रिमाइंडर होता क्या सर अरे भूपेंद्र जी नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होता है पर ये रिमाइंडर थोड़ी है ये तो हमें रिमाइंडर तो ये रहे ये रिमाइंडर है चार ये रिमाइंडर एक रिमाइंडर तो पॉजिटिव ही होता है तो ये रिमाइंडर पॉजिटिव आ गया ना पर इसने रिमाइंडर थोड़ी पूछा इसने तो पूछा टू एक्स माइनस वाई बताओ तो टू एक्स माइनस वाई तो माइनस टू आ ही सकता है उसको कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है समझ रहे हो चलिए अब एपॉन ईडी ए अपॉन ईडी कितना दो बटा तीन एपॉन ED दो बटा तीन मान तो नहीं सकते पर चलो मान लेते हैं कह रहा है ये दो है और ये तीन है मान ले चलो बीडी अपॉन डीसी बी डी अपॉन बोलो ये भी कितना मान लेते हैं बी डी अपॉन डी सी बोलो ये भी कितना है दो बटा तीन है सही है मान लिया कोई बात नहीं अच्छा अब एक काम करते हैं ना इस त्रिभुज पे फोकस करो इसके बराबर एक और मैं लाइन खींच लेता हूं ये डी एफ कर लो एफ तो इसमें नहीं है ना e कर लो भले डी e है क्या ऑलरेडी e बैठा है एफ कर लो मित्रों ठीक है ई एफ जी कर लो भले ये भले मत करो आप ठीक है हाँ जी सर ये रोज क्लास कि, किस टाइम कितने टाइम होती है टाइम रोज घंटे भर की होती है बट आज पैंतालीस मिनट की क्लास है और टाइम थोड़ा चेंज हो रहा है किसी ऑफलाइन क्लासेस की वजह से थोड़ा टाइम जो है चेंज हो रहा है है ना कोशिश करेंगे टाइम बार बार चेंज नहीं हो पूरी कोशिश जा रही है, है ना आओ दोस्तों हमें ए का मान पूछा और ए सी हमें दे रखा बोलो कितना दे रखा है सात सौ साठ अब इसको करना कहां से स्टार्ट करें भैया हम ये जानते हैं कि अगर ये दो बटा तीन है मतलब अगर मैं ट्राइंगल बात करूं ट्राइंगल ए डी एफ में ट्राइंगल ए डी एफ की बात करूं बीपीटी थ्योरम लगाएं अगर बीपीटी थ्योरम अगर बीपीटी थ्योरम को लगाएं ए डी एफ में अगर दोस्तों बीपीटी थ्योरम का मैं यूज करूं तो आप समझें ए बटा ए बटा ED बोलो किसके बराबर होगा AG बटा GF भाई बीपीटी सर लगाओ इस ट्राइंगल में अगर तो ए बटा ED किसके बराबर होगा AG बटा GF के मैंने ये दोस्तों यहां पर ई e जी जो है ना पैरल है किसके DF के ये जो एजी e है ये डी एफ के क्या है पैरल है तो ये एजी बटा जीएफ बोलो कितना हो जाएगा दो बटा तीन ये कितना दोस्तों जाएगा? दो बटा तीन तो ये आपका दो हो गया और ये आपका कितना हो गया दोस्तों तीन हो गया सही है एक बार आप इस ट्राइंगल को ले ओ. बी सी जी को ले ट्राइंगल बी सी जी में बी सी जी में अगर मैं बीपीटी थ्योरम लगाऊं इसका नाम दोस्तों फेमस यही है यह बीपीटी थ्योरम मतलब बेसिकली प्रोपोर्शनल थ्योरम अगर इसमें दोस्तों बीपीटी थ्योरम लगाऊं तो बोलो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा साहब अगर मैं यू ट्राइंगल लगाऊं तो ये आप देखो कि जीएफ अपॉन जीएफ अपॉन जीसी मतलब जीएफ अपॉन एफसी किसके बराबर होगा बीडी अपॉन डीसी के तो बीडी अपॉन बीडी अपॉन डीसी बोलो किसके बराबर होगा बी डी अपॉन तो बी डी के पैरेलल देखो ये पैरेलल चल रहा है तो बी डी अपॉन जी एफ मतलब बी डी बी डी को जी एफ के पैरेलल ले लिया तो बी डी अपॉन डी सी तो ये हो जाएगा जी एफ अपॉन एफ सी जी एफ अपॉन एफ सी बोलो ये कितना हो जाएगा दो बटा तीन तो बोलो ये कितना आ गया जी एफ अपॉन एफ सी बोलो कितना आ गया दो बटा तीन आ गया अब यहां से पता लग रहा है कि ये दो तीन है यहां से पता लग रहा है कि ये दो तीन है मतलब हमें रेशियो मेथड सॉल्व करना पड़ेगा अब आप देखो ए जी रेशियो जी एफ रेशियो एफ सी बोलो ए जी जी एफ कितना ए जी जी एफ दो तीन और जी एफ एफ सी कितना दो तीन सॉल्व करो इधर क्या आ जाएगा तीन का तीन इधर क्या आ जाएगा दो का दो दूनी दो चार तीन दूनी छ तीन छह दस और नौ नौ बोलो ए जी चार है जी एफ छो है, एफ सी है। बोलो, टोटल कितना हो गया? 19. अरे बोलो टोटल कितना हो गया उन्नीस ठीक है अब कह रहा है टोटल कितना है ए सी टोटल बोलो ए सी कितना है देखो A प्लस जी एफ प्लस एफ सी एजी प्लस जी एफ प्लस मतलब एफ सी कितना हो गया दोस्तों एसी और बोलो ए सी का मान कितना आ गया उन्नीस क्वेश्चन कहता है सात सौ साठ हम कहते हैं सी बट्टा ए सी क्या बना दिया जोड़ा एसी बटा ए सी जोड़ा बना दिया पूछा है ए बताओ बोलो ए कितना है दो ए पूछा है ना तो ए का मान बोलो कितना आ गया दो आ गया सॉल्व करेंगे उन्नीस चौक छिहत्तर चार दुनिया आठ अस्सी बोलो अस्सी आ रहा है क्या बिल्कुल आ रहा है अरे बोलो सही है क्या एसी पूछा एसी आ गया हाँ जी हाँ जी अरे बोलो सही बात है क्या ये एक ज्योमेट्री का अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों जिसको हमने सॉल्व करने की भरपूर कोशिश की और इस चीज दोस्तों हो गया हाँ जी बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप एल्जेबरा का सवाल आ गया हाँ जी हाँ जी बहुत बढ़िया हाँ 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 ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन था यार ज्योमेट्री क्वेश्चन में थ्योरम शॉर्टकट लग जाए तो लग जाए नहीं लगे तो नहीं लगे उस पर अपना कोई बस नहीं चलता है ना यदि अल्फा और बीटा समीकरण थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन एक्स प्लस फोर्टीन बराबर जीरो के मूल है तो अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर का मान क्या है मेरे प्यारे मित्रों ये सवाल भी दोस्तों बहुत बड़ा जाने वाला है थोड़ा आपको ध्यान से काम करना पड़ेगा अल्फा बीटा इसके मूल है तो ध्यान देना यह आपका दोस्तों क्या होने वाला है ये आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो यही है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो अच्छा अल्फा प्लस बीटा बोलो मूलों का योग बोलो मूलों का योग होता है माइनस बी बाई ए मूलों का योग बोलो क्या होता है माइनस बी बाई ए सही है क्या मूलों का योग होता है माइनस बी बाई ए तो, तो मेरे प्यारे मित्रों माइनस बी बाई ए कितना हो जाएगा माइनस बोलो बी कितना है माइनस का तेरा बटा ए ए बोलो कितना है तीन तो ये हो जाएगा आपका तेरह बटा तीन बोलो सही है क्या हाँ जी दूसरा है दोस्तों आपका एल्फा, बीटा एल्फा, बीटा कितना है सी ये। बोलो सी कितना चौदह बट्टा तीन ये आपका एल्फा प्लस बीटा और एल्फा बीटा आ गया दोस्तों है ना हाँ बहुत बढ़िया अब आप जरा समझो थैंक यू वेरी मच अब आप देखिए एल्फा फोर प्लस बीटा की पावर फोर दोस्तों में चाहिए एल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर समझिएगा एल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर का मतलब हो जाएगा एल्फास्व प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू बीटा स्क्वायर अगर मैं टू एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को इसमें से लेस कर दूंगा तो यही बचेगा बचेगा यार हमेशा बचेगा अच्छा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सॉल्व करें उससे पहले आप देखो यहीं से कुछ सॉल्व हो रहा होगा तो इसको अगर दोस्तों ऐसे लिख दूं मैं कि ये हो जाएगा अपना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर ये तो चलो ठीक है और ये दोस्तों मैं रूट टू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख दूं तो बोलो यहां से ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके सॉल्व कर दे तो क्या आ जाएगा या इसको पूरा बैठ के सॉल्व करें

स्क्वायर 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 बीटा यानी का का बोलो सही है क्या Haan, जी बहुत बढ़िया का वर्ग हो जाएगा पांच का वर्ग पच्चीस आठ नम बहत्तर बटा नौ का वर्ग इक्यासी माइनस दो इंटू चौदह का वर्ग वन नाइनटी सिक्स अपॉन तीन का वर्ग नौ बोलो सही है क्या सॉल्व कर देंगे इसको हाँ जी भैया एलसीएम क्या आ जाएगा इक्यासी अरे भैया एलसीएम क्या आ जाएगा इक्यासी इक्यासी से इक्यासी गया बहत्तर पच्चीस नौमे देखो ये १९६ अगर आप करते हो तो बोलो ये तो कितना आ जाएगा १९६ का डबल बोलो क्या हो जाएगा टू इंटू वन नाइनटी या सीधे ही देख लेंगे नब्बे नब्बे इक्यासी नौ दुनिया अठारह अट्ठारह चिंग एक सौ आठ का दस अठारह नब्बे एक सौ बासठ दस एक सौ बहत्तर सत्रह अठारह अठारह सत्रह माइनस करो बोलो कितना आ रहा है पंद, दो गया नौ नाइनटी सेवन दोस्तों आ रहा है पीछे ये आ रहा है थर्टी सिक्स नाइन सेवन थर्टी सिक्स नाइन सेवन अपॉन एटी वन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों बहुत बढ़िया हाँ जी बहुत बढ़िया अरे बात समझ में आ गई क्या सवाल का एक लेवल था दोस्तों लेवल वाले सवाल में दोस्तों केवल शॉर्टकट नहीं चल सकता लेवल वाले दोस्तों जो है इन फॉर्मुल का यूज करके अल्फा फोर बीटा फोर की वैल्यू दोस्तों हमने निकाल ली बहुत बढ़िया जिनका भी आंसर आ रहा है बहुत सही आ रहा है हाँ जी मित्रों बहुत बढ़िया बड़े आगे हाँ जी नेक्स्ट देखिएगा कह रहे दो व्रताकार पार्क बनाने का प्रस्ताव किया जाता है जिसका क्षेत्रफल क्रमशः 16 मीटर और बारह मीटर व्यास के दो जी 16 मीटर और बारह मीटर व्यास के दो व्रताकार पार्क के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है नए पार्क का अर्धव्यास बताओ कितना होगा प्यारे मित्रों सोलह मीटर बारह मीटर व्यास के दो वृत्ताकार पार्क के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है यानी पाई पाईआर स्क्वायर जो है वो पाई एक तो है सोलह का व्यास यानी आठ का स्क्वायर प्लस पाई बारह मीटर व्यास यानी छह का स्क्वायर क्योंकि व्यास त्रिज्या का डबल होता है ना हाँ जी व्यास त्रिज्या का डबल होता है ना तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर व्रताकार पार्क बनाने का प्रस्ताव है जिसका क्षेत्रफल इन दो व्रतों के क्षेत्रफलों के बराबर है तो ये हो गया सोलह मीटर था त्रिज्या आठ हो गई बारह मीटर था त्रिज्या छह हो गई ठीक है तो पाई तो सब में काट दो आप बोलो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया चौसठ प्लस छत्तीस कितना आ गया बोलो सौ तो बताओ भाई आर बराबर क्या आ गया दस त्रिज्या तो दस आ गई नए पार का अर्धव्यास बताओ दस अर्धव्यास ही पूछा है दस आ गया हाँ जी बहुत बढ़िया हाँ जी रिपीट समझा दे इसमें डाउट था क्या कोई भूपेंद्र जी बहुत सिंपल सी बात है यार अल्फा फोर प्लस बीटा फोर का ये फॉर्मूला नहीं होता है तो ये फॉर्मूला होता है अब हमारे पास अल्फा बीटा स्क्वायर भी नहीं है तो उसका फॉर्मूला ये होता है इसमें मान रखा तो ये आया ये मान उठा के यहां रख दिया तो फिर ये आ गया बस ठीक है और ये तो सिंपल ही था एक दो व्रतों से मिलकर एक बड़ा व्रत बना रहे हैं त्रिज्या पूछिए है। अगला सवाल दो वस्तुओं की कीमतें चार अनुपात पांच के अनुपात में है यदि पहले की कीमत में एक्स परसेंट की वृद्धि हुई और दूसरे की कीमत में थर्टी परसेंट की कमी हुई तो ए और बी की नई कीमतें दस सात के अनुपात में है एक्स का मान बताओ कितना होगा देखो भाई दो चीजें हैं एक चार और एक पांच है चार में तो एक्स परसेंट की वृद्धि हुई यानी सौ प्लस एक्स बटास चार में तो एक्स परसेंट की वृद्धि हुई और पांच में तीस परसेंट कमी मतलब सत्तर बटासो चार में तो एक्स परसेंट की वृद्धि हुई और पांच में तीस परसेंट कमी हुई सत्तर बट्टा सौ नई कीमतें क्या हो गई दस बटे सात हाँ जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई साहब सौ से सौ कट जाएगा कट गया जो कट गया और यहां बोलो क्या बन जाएगा अपने पास आ, चार सौ चार सो प्लस चार एक्स चार इंटू सौ चार सौ चार इंटू एक्स चार एक्स और ये दोस्तों सात व मल्टीप्लाई या सात से सात कार दो ना अब तो बराबर पांच सौ ये पचास इंटू दस पांच सौ ही होगा तो भैया चार एक्स बराबर कितना आ गया सौ यानी एक्स बराबर कितना आ गया पच्चीस सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ट्वेंटी फाइव परसेंट बोलो सही है क्या कहा से लाइव हो सॉ स्टूडियो से लाइव हूं मैं एन ग्रुप डी की न्यू क्लासेस लगा दो सर जी हाँ बहुत जल्दी प्लान है यूट्यूब पर एन टीपीसी और ग्रुप डी की लाइव क्लासेस जैसे कि पहले हमने स्टार्ट की थी वैसी क्लास स्टार्ट करने का प्लान है बहुत जल्दी करेंगे बड़े दोस्तों आगे। का मान आगे 25%, right? बढ़िया सवाल अगला देखो अगला सवाल है खम्बे का एक बटा छह हिस्सा कीचड़ में है शेष का एक बटा दो भाग जल में है और शेष दस मीटर ऊपर है तो खंबे की कुल लंबाई क्या है सवाल को समझिए ना एक बटा छह भाग कीचड़ में है शेष का एक बटा दो भाग जल में है शेष दस मीटर ऊपर है दोस्तों तो टोटल हिस्सा मान लो छुनी बारह माना कुल बारह मीटर माना कुल कितना मीटर बारह मीटर अब आप बताओ कीचड़ में कितना है एक बटा चे? बोलो कीचड़ में कितना है एक बटा छह का एक बटा छ मतलब दो तो कीचड़ में है शेष का एक बटा दो भाग जल में है बोलो शेष कितना रहा शेष रहा बारह माइनस दो यानी कि दस जल में बोलो कितना है जल में है दस का एक बटा दो यानी कि पांच बोलो शेष कितना रहा शेष रहा साफ दस में से दस में से पांच रहा पांच बोलो शेष कितना रहा पांच क्वेश्चन तो कहता शेष दस मीटर ऊपर है हम कहते हैं शेष पांच मीटर ऊपर है शेष बटा शेष जोड़ा बना दिया कुल पूछा है बारह से गुणा पांच दूनी <coughs> पांच दूनी बारह दूना चौबीस चौबीस मीटर इज द राइट right आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बोला समझ गए क्या इस प्रश्न का राइट आंसर मित्रों चौबीस मीटर है जिनका भी चौबीस मीटर आ रहा है दोस्तों बहुत ही सही आ रहा है चौबीस मीटर वालों तुम बिल्कुल सही हो समझ गए ना दोस्तों टोटल हमने मान लिया और मान के दोस्तों फिर हमने क्वेश्चन कर लिया बस खत्म बात हाँ जी जिनका भी चौबीस आ रहा है सही आ रहा है बधाई हो भाई बधाई हो बड़े आगे एक चीनी के मूल्य में 28 परसेंट की वृद्धि हुई 28 परसेंट की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला व्यय पहला पहले की कित, तुलना में पंद्रह परसेंट अधिक है यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत 6.4 किलो थी, थी नई मासिक खपत क्या होगी बहुत सिंपल है दोस्तों बहुत ही सिंपल मैं इसको सिंपली आपको जो है एक फॉर्मूला बना के बताऊ तो आप देखो मैं आपको फॉर्मूला बना के बताता हूं है ना दो मिनट रुकना ये बस ये है इसका आंसर बस इसमें कई बार सौ मानोन करोन दोस्तों बहुत माता पची होती है पर कुछ माता पची नहीं करनी है मैं आपको सिंपली इसका फॉर्मूला बना के बता देता हूं एक बार देखो ये उत्तर आ रहा है क्या मतलब खपत बटा वृद्धि इंटू नई वृद्धि कितना आ रहा है इसको सोल्व करो उत्तर कितना आ रहा है बताओ छह पॉइंट चार और ये एक सौ पंद्रह है मतलब सोल्व करे तो कुछ कट ही रहा है सोल्व क्या करे पॉइंट नीचे लगा दिया बस मोटा मोटा ये हो जाएगा तेईस बटा ये, ये तो चार, चार मतलब पांच पॉइंट पिछहत्तर बोलो आ रहा है कि उत्तर ये आ रहा है सर समझ रहे हो बिल्कुल आ रहा है मतलब इसको करने का मैं आपको डायरेक्टली फोकस बताऊं डायरेक्टली चीज आपको बताऊं दोस्तों करने की तो ऐसे करो हाँ, नई खपत नई खपत बराबर पुरानी खपत नई खपत बराबर नया भाव बटा पुराना भाव इंटू पुरानी खपत बस दोस्तों यही है दोस्तों बस इतना ही है मतलब आपको अगर नई खपत चाहिए तो पुरानी खपत को मल्टीप्लाई कर दो नया भाव बटे पुराने भाव से बस ये आपकी नई खपत आ जाएगी सीधी नई खपत आएगी कुछ भी माना वाना सब छोड़ो तुम तो बस देखो नया भाव कितना है पंद्रह परसेंट वृद्धि अब चीनी पर होने वाला व्यय पहले कितना पंद्रह परसेंट ज्यादा है मतलब एक सौ पंद्रह पुराना भाव कितना अट्ठाइस परसेंट वृद्धि यानी एक सौ अट्ठाईस बोलो पुरानी खपत पुरानी खपत कितनी है छ पॉइंट चार खपत आ जाएगी सही है बस दोस्तों सॉल्व कर देना है पॉइंट हटाया एक बटा दस चौसठ एक चौसठ दो बार चौसठ बोलो कितनी बार दो बार पांच तेईस बार पांच दो बार तो बताओ भाई तेईस बटा चार तेईस बटा चार मतलब पांच पॉइंट पिछहत्तर बोलो सही बात है क्या कोई दिक्कत ही नहीं है सही है तो नई खपत की वैल्यू नई खपत का फॉर्मूला दोस्तों क्या हो जाएगा पुरानी खपत बटा पुराना भाव इंटू नया भाव या नया भाव बटा पुराना भाव पुरानी खपत कैसे भी करो ठीक है अगला सवाल ये सवाल सवाल ये दोस्तों दोस्तों आप सभी कर लोगे एक बार कोशिश करके देखें देखो मैं सवाल का लेवल दोस्तों, थोड़ा सा अच्छा रख रहा हूं थोड़ा सा दोस्तों सवाल का मैं एक लेवल रख रहा हूं इस लेवल से अगर आप तैयारी करते हैं तो इसका फायदा दोस्तों मानो ना मानो दोस्तों इसका फायदा आपको जबरदस्त मिलने वाला है एग्जाम के पेपर में तो आपको दोस्तों इन्हीं क्वेश्चन के साथ युद्ध करना है अगर आप इन क्वेश्चन के साथ युद्ध करके युद्ध को अगर जीत लेते हो तो एग्जाम का पेपर दोस्तों आपको बहुत हल्का लगेगा यूं फूक मारते उठ जाएगा इतना हल्का आपको लगेगा जरूरी है तो दोस्तों आपको यहां पर अच्छे से पढ़ने की ठीक है हां जी देखिए साहब स्टूडियो कहां पर है सर स्टूडियो राजस्थान में है 3 की पावर 123 3 की पावर 122 3 की पावर 121 2 एक की पावर 121 2 की पावर 120 2 की पावर 119 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बताओ कितनी होगी देखो हम ये बातों की संख्या करती है 2 5 पर। की संख्या पावर एक सौ बाईस तीन की पावर एक सौ अस्तीस बोलो घात कम से कम क्या एक सौ इक्कीस एक सौ इक्कीस कॉमन ले लो तीन की पावर एक सौ इक्कीस कॉमन एक सौ तेईस में एक सौ इक्कीस कॉमन लिया तीन की पावर दो 121 कॉमन लिया तीन की पावर एक 121 कॉमन लिया एक दो की पावर 119 कॉमन ले लिया दो की पावर दो दो की पावर एक और ये एक बोलो सही बात है क्या हाँ जी बोलो कॉमन ले लिया बस जो कॉमन आ रहा था वो दोस्तों हमने कॉमन कॉमन ले लिया राइट अब आप देखो यार आ, यहां से पता चला तीन की पावर 121 गुना गुणा तीन की पावर दो नौ नौ में से तीन गया छह में से एक गया पांच इंटू दो की पावर एक सौ उन्नीस इंटू चार में से दो गया दो, दो में से एक गया एक सही है अब आप मेरी बात समझो कि हमें तीन से कोई मतलब नहीं एक से कोई मतलब नहीं मतलब इन दोनों से है पांच की घात एक आ रही है दो की घात एक सौ उन्नीस आ रही है शून्यों की शून्यों की संख्या डिपेंड करती है इनकी न्यूनतम घात पर इनकी जो न्यूनतम घात होगी उतने जीरो आएंगे बताओ पांच की पावर एक है और दो की पावर एक सौ उन्नीस है न्यूनतम घात क्या दिख रही है आपको दोस्तों न्यूनतम घात दिख रही है एक सो so, एक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन न्यूनतम घात शून्यों की संख्या दो और पांच की न्यूनतम घात पर निर्भर करती है तो न्यूनतम घात बोलो क्या है न्यूनतम घात दोस्तों कितनी है एक है आंसर so बोलो कितना आएगा एक आएगा हाँ जी बोलो सही बात है क्या उत्तर क्या आ जाएगा एक आ जाएगा 119 नहीं आएगा एक आएगा एक अरे आप सिंपल सोचो जैसे एक दो की पावर एक है और पांच की पावर दो है यू सोच लो पांच की पावर दो पच्चीस दूना पचास शून्य एक आया के दो आया बताओ शून्य एक ही आया ना तो न्यूनतम घात होती है ना वो शून्य आते हैं यहाँ पर न्यूनतम घात एक है ना तो शून्य एक आया भरोसा नहीं और देख लो पांच दो की पावर मान लो दो की पावर तीन ले लो और पांच की पावर मान लो दो ले लो पच्चीस अठे दो सौ होता है अब यहाँ तीन शून्य आने चाहिए ना पर दोस्तों शून्य जो है न्यूनतम घात पे डिपेंड करते न्यूनतम घात कितनी है दो है ना तो दो आएगा शून्य इस तरह से आप सोच सकते हो है ना हाँ जी अरे बोलो बात समझ गए क्या उत्तर एक आ जाएगा पढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर फरमाइएगा हाँ जी अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए डीआई का क्वेश्चन है डीआई के क्वेश्चन पे जरा गौर फरमाएं तो आपको बात समझ में आने लगेगी दोनों व्रतार, दोनों का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए ए शिक्षा बी बचत सी किराना डी बिजली और ई e, क्या विविध अप्रैल मास का वेतन चौबीस हजार मई मास का वेतन पच्चीस हजार ठीक है यूनिट डिजिट जीरो होता हाँ यूनिट डिजिट जीरो ही तो है अप्रैल मास के वेतन में शिक्षा किराना और बचत पर खर्च की गई राशि का औसत बताओ अप्रैल मास के वेतन में शिक्षा किराना सी किराना है और बचत बचत क्या है दोस्तों बी शिक्षा किराना और बचत पर औसत बताओ औसत निकाल लो दोस्तों शिक्षा किराना और बचत बोलो कितना है पैतालीस प्लस चार प्लस सत्रह बटा बोलो तीन राशियों का योग बटा राशियों की संख्या राशियों का योग बटा राशियों की संख्या बोलो कितना हो जाएगा ये सत्रह चार इक्कीस पांच और एक छः चार, चार दो बटा तीन बोलो भैया ये पैतालीस का पचपन और छियासठ हाँ जी थैंक यू जी बोलो तीन दूनी तीन दूनी सही औसत बोलो क्या आ गया बाईस परसेंट हाँ जी औसत क्या आ गया बाईस परसेंट हाँ जी तो औसत बोलो पूछा औसत बाईस औसत राशि पूछी है तो हजार का, का हमें कितना निकालना है बाईस परसेंट चौबीस हजार का बाईस परसेंट देख लो दो जीरो दो जीरो कट गया जीरो का जीरो आ, बाईस का आठ हासिल का आठ बाईस दुना चौवालीस और आठ बावन बावन अस्सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जिनका भी बावन अस्सी आ रहा है, बहुत सही आ रहा है। हाँ जी 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 तुम सही हो हाँ थैंक थैंक यू जी, यू हाँ बड़े आगे ये तो दो, दोस्तों, की की तो दोस्तों क्वेश्चन आप सबको इजी लगते ही होंगे हमने दोस्तों यूपी यूपीपीईटी में खूब सारे दोस्तों क्वेश्चन किए हैं यूपीपीईटी में दोस्तों हमने डी आई पर दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन किए तो दोस्तों डी आई तो आई थिंक आप सबको दोस्तों ईजी लग लग जानी चाहिए अब तक तो है ना जिन्होंने वो डीआई पढ़ी उनके लिए जिन्होंने नहीं पढ़ी उनका तो कुछ नहीं हो सकता है ना अगला सवाल और देखो क्या कह रहा है कह रहा अप्रैल महीने की तुलना में मई महीने में शिक्षा के खर्च में कितनी वृद्धि हुई शिक्षा के खर्च में शिक्षा क्या है ए पैतालीस है ए पचास है पर दोस्तों डायरेक्ट यहां से वृद्धि निकाल नहीं सकते डायरेक्ट यहां से वृद्धि निकाल नहीं सकते क्योंकि यहां टोटल वेतन चौबीस हजार है और यहां कितना है दोस्तों पच्चीस हजार है तो यहां से डायरेक्ट वेतन तो आप निकाल नहीं सकते तो भाई साहब निकालो चौबीस हजार का पैतालीस परसेंट अगर मैं अप्रैल की बात करूं एक तो है चौबीस हजार का कितना परसेंट पैतालीस परसेंट दो जीरो दो जीरो कट गया जीरो का जीरो चौबीस पंजी एक सौ बीस का जीरो आसिल का बारह चौबीस चौक छिन्नू छिन्नू और बारह कितना होता है एक सौ आठ सही है हाँ जीरो का जीरो चौबीस पंजे चौबीस पंजे एक सौ बीस का जीरो हासिल का बारह चौबीस बारह एक सौ आठ अच्छा पच्चीस हजार का पचास परसेंट देखो पच्चीस हजार का पचास परसेंट पच्चीस हजार का पचास परसेंट बोलो दो पचास एक ये हो जाएगा बारह हजार पाँच सौ अब आप देख लो दस हजार आठ सौ से बारह हजार पाँच हो गया है दस हजार आठ सौ से बारह हजार पाँच सौ हो गया बोलो वृद्धि कितनी हो गई बोलो यहाँ से वृद्धि कितनी आ गई वृद्धि आपके पास आ गई है Uh, कितना दोस्तों 200 और ये 1700 1700 की वृद्धि हो गई ना भाई 10,500 हजार पांच सौ है और सॉरी बारह पांच सौ दस हजार आठ सौ वृद्धि वृद्धि तो भाई साहब वृद्धि प्रतिशत हो जाएगा सत्रह सो की वृद्धि हुई कितने की वृद्धि हुई सत्रह सो की और सत्रह सो की वृद्धि बोलो किस पर हुई दस हजार आठ सौ पर दस हजार आठ सौ पर इंटू बोलो क्या कर देता हूं सौ दो जीरो दो जीरो कट गए काटो भाई चार के पहाड़े से चार से काटा सत्ताइस बार चार से काटा 25 बार 25 बोलो कितना आ जाएगा लगभग दोस्तों आप देख लो लगभग यहाँ से लगभग तो क्या पता लगेगा पच्चीस सत्रह एक सौ पचहत्तर का पांच हासिल का सत्रह पच्चीस एकम पच्चीस सत्रह बयालीस बटे सत्ताईस सताइस एकम सत्ताईस कितना रहा दोस्तों एक सौ पचपन सत्ताइस पांच लगभग दोस्तों पंद्रह पॉइंट पिचहत्तर के आसपास आंसर आ रहा है लगभग दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा पंद्रह पॉइंट पिचहत्तर जिनका भी दोस्तों आंसर पंद्रह पॉइंट पिचहत्तर आ रहा है बहुत ही सही आ रहा है बोलो सही है क्या पहले मैंने अप्रैल मास का निकाल लिया दस आठ सौ मई मास का बारह पांच सौ वृद्धि निकाली सत्रह सो निकाल सत्रह सो, सो दस आठ सौ का कितना प्रतिशत है वो उत्तर आ गया कोई दिक्कत नहीं एकदम जी हांजी आगे बहुत बढ़िया अगला सवाल करें हाँ जी मित्रों सवाल करने का प्रयास करें बहुत सही भैया यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 1.46 हो तो अज्ञात बारंबारता बताओ क्या होगी दोस्तों अज्ञात बारंबारता आप देख पा रहे हैं यहां में रख देते दोस्तों पी और यहां क्या मान लेते हैं क्यू ठीक है तो भाई साहब यहां देखो हमारे पास एक्स आ गया एफ आ गया एफ एक्स निकाल यहीं पर ही बोलो एक्स हमें क्या दे रखा है जीरो एक दो तीन चार पांच ठीक है एफ बोलो क्या दे रखा है एफ दे रखा है साहब आपको क्या दे रखा है छियालीस पी क्यू वैसे दोस्तों उत्तर निकालना दोस्तों यहां से बहुत सिंपल ही है ये देख लो वैसे भी दो हो रहा है ना तो आप देखो ये पच्चीस और पांच तीस और दस चालीस और ये छियासी प्लस पी प्लस क्यू बराबर दो यानी P बराबर कितना आ गया एक सौ चौदह आप देख लो एक सौ चौदह कौन सा ऑप्शन आ सकता है एक सौ चौदह कौन सा ऑप्शन दोस्तों होगा मित्रों ये हो जाएगा। प्लस क्या? कितना हो हो जाएगा कितना रहा रहा है वन, 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 फोर हो रहा है मतलब दोस्तों आप देखो छिहत्तर प्लस अड़तीस अगर आप जोड़ते हो तो आठ छह चौदह का चार हासिल का एक आठ और तीन ग्यारह देखो हो रहा है क्या इसका मतलब आंसर आ गया छिहत्तर अड़तीस ये यहीं से दोस्तों हो रहा है मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप ये सब करो वैसे ये सब करने से भी आंसर आ सकता है अगर पूरे मेथड से करते हो तो अगर ऑप्शन में कोई दिक्कतें भी आ रही है मान लो कि एक सौ दो ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं जिसमें हो रहा है तो मेथड से दोस्तों फिर करना पड़ेगा पर अभी दोस्तों ऐसी कोई दिक्कत आ नहीं रही है और कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं जो वन वन फोर बना दे है ना तो भैया जी आंसर क्या आ जाएगा छत्तीस अठहत्तर आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं एकदम इजी हाँ जी बहुत बढ़िया बड़े आगे नेक्स्ट देखो आप अगला सवाल देखिए आप हाँ लेकिन सर समझा दीजिए प्लीज ओहो पूरा मेथड चाहते हो क्या पी क्यू फिर क्या है पच्चीस फिर क्या है दस फिर क्या है पांच ठीक है भाई यही है एफ एक्स निकाल लो यार एफ एक्स कितना आ जाएगा जीरो का जीरो पी का पी टू क्यू पच्चीस पचहत्तर चार चालीस

और एक्स बार आपको क्या दे रखा है सही है दोस्तों अब आप देखो यार एक सौ चालीस प्लस एक सौ चालीस प्लस पी प्लस, प्लस, प्लस टू क्यू ये गुणा कर दो कितना आ जाएगा वन फोर्टी सिक्स और पी प्लस टू क्यू की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी आ रही है छसो छियालीस में एक सौ चालीस गया छः ही आएगा आएगा ना हाँ। तो पी प्लस टू क्यू का मान आ गया, और हमारे पास पी प्लस क्यू का मान कितना एक सौ चौदह है तो p प्लस क्यू का मान ये ऐसे कैसे दोस्तों इनको जोड़ा तो यही आया ना जीरो इंटू जीरो जीरो आ जाएगा पी का पी टू क्यू पच्चीस पिचौतर पच्चीस 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 पिछहत्तर पिचोत्तर पच्चीस एक सौ चालीस एक सौ चालीस प्लस पी प्लस टू क्यू तो एक सौ चालीस प्लस पी प्लस टू क्यू सिक्स ये तो अजीब दोस्तों हुआ ना p प्लस क्यू का मान कितना है वन वन फोर और दोस्तों प्लस टू क्यू का मान दोस्तों तो गजब ही हो रहा है, देखो आप. अब मैं अगर इसको घटा भी दूंगा ना कितना आ रहा देखो तो माइनस 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 ये पी पी कट गया माइनस का क्यू दोस्तों ये वैल्यू बहुत गजब की आ रही है बहुत गजब की अच्छा योग 200 है यहां पर मैं भी दोस्तों देखो दो, योग दोस्तों 200 दो है यहां पर मैंने 100 कर दिया बस ये फर्क है यहाँ पर दोस्तों योग कितना है ना 200 है मैं भी क्यों था भयंकर रिजल्ट कैसे आ रहा है यहाँ दोस्तों 200 दो है तो 146 का डबल बोलो कितना हो जाएगा 146 का डबल बोलो भाई अ 292 डबल कर रहा हूं 261221289212 अब घटाओ इसमें से ये तो आ, दो में से जीरो गया दो, दो में से जीरो गया दो नौ में से चार गया पांच और ये एक सौ बावन बोलो सही है क्या एक सौ बावन आ जाएगा ये एक सौ बावन यहाँ ले लो बस मैं भी क्यों यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है मतलब पॉसिबल ही नहीं है पी से पी कट गया माइनस क्यू बोलो ये कितना आ जाएगा माइनस का बारह मु चार गया आठ और चार मु एक गया तीन अड़तीस तो बोलो q बराबर तो 38 आ गया अब q का मान अगर 38 है तो p का मान बोलो क्या आ जाएगा 76 ये 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 लो मेथड 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 भी आ आ गया आपने दोस्तों 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 से पूछा ना तो ये दोस्तों, है है हाँ जी उत्तर दोस्तों जो है, ये आ जाएगा 38 और 76 ठीक है बात दोस्तों ये दोस्तों मेथड भी हो गया हाँ हाँ ये दोस्तों मेथड भी हो गया दोस्तों ये ट्रिक भी हो गई तो मेरे ख्याल दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक से करना ठीक रहेगा है ना तो चलिए मित्रों फिर आज की सभा को समाप्त करते हैं समय रहते दोस्तों अपनी क्लास दोस्तों जो है आ, जो है न, हाँ जी ये दोस्तों क्लास पांच बजे तक क्लास की दोस्तों मिलते हैं आपसे वापस कल की क्लास में और भी नए क्वेश्चंस के साथ तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टेक केयर जय हिंद जय भारत